हादसा हुआ है उस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है? आज महेंद्रगढ़ कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से मैं बहुत आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों के देखभाल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इस हादसे की जांच करवा करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है परिवारों को उचित मुआवजा, और जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं घायल हैं उनके इलाज के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से उनकी देखभाल के लिए तैयार है। और मैंने ऐसे आदेश भी कहा है कि वहां पर देखें, हमारी मंत्री महोदय भी वहां मौके के ऊपर पहुंची है और वहां जाकर के पूरा प्रशासन भी वहां पर गया है। सुबह जब ये दुर्घटना हुई है उसके तुरंत बाद सारी जानकारियां आई हैं और जानकारी के बाद हमने जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो आज बस दुर्घटना हुई है बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि ईद की छुट्टी के दिन किस तरीके से स्कूल का संचालन हो रहा है ये अपने आप में एक इंक्वायरी का पार्ट है। और मैं तो चाहूँगा कि हरियाणा सरकार तुरंत इस पे एक ACS एजुकेशन के अंदर कमेटी भी बनाए और मॉनिटर करे कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ है, छुट्टी वाले दिन क्यों स्कूल का संचालन किया गया, और भी स्टेट में कितने ऐसे स्कूल थे जिनने इस हॉलिडे की वॉयलेशन कर आज बच्चों को बुलाया है। प्लस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी इसको मॉनिटर करे कि क्या जो व्हीकल था वो सारे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो कर रहा था। उन सभी बच्चे जो दुर्घटनाग्रस्त हैं या जिनका निधन हुआ है, हमारे पार्टी के सीनियर सदस्य भी वहाँ पहुँचे हैं, मैंने बहादुर सिंह जी से भी बात करी है, उनको भी मौके पर बोला है कि मिलकर जो भी मदद मेडिकली भी और जिस प्रकार की भी चाहिए वो हमारी तरफ से भी पूरा उसके अंदर उनका साथ रहेगा। और क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों की जान की हानि आज हुई, इसकी गंभीर कैसे देखिए घटना क्या हुई है तथ्य तो मेरे आगे नहीं आए। इस शिक्षा मंत्री का दायित्व बनता है कि वो इसको अंतिम पॉइंट तक इंक्वायर करे, और आने वाले भविष्य में भी इस तरह के जो ड्राइवर्स हैं या जिस घटना की वजह से दुर्घटना हुई है इन सारे पैरामीटर्स के लिए मार्गदंड बनाने का काम करे। ठीक है, थैंक यू।